नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, आज है टीचर्स डे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे। उनका जन्म जो हुआ था ना 1888 में 5 सितंबर को हुआ था। उनके करियर का 40 इयर्स एज ए टीचर, द कंट्रीब्यूशन उन्होंने जो हमारे एजुकेशन फील्ड में दिए थे, बिफोर ज्वाइनिंग द पॉलिटिक्स एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्हीं के एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट ये टीचर्स डे हम मनाते हैं। ये पहला जो टीचर्स डे मनाया गया था 1962 में 5 सितंबर को मनाया गया था, जब उनके कुछ स्टूडेंट्स ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने सबको बताया कि मेरा बर्थडे मत मनाओ, मनाना ही है तो टीचर्स का बर्थडे मनाओ। द रोल ऑफ टीचर्स टू द लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तभी से 1962 5 सितंबर से ही टीचर्स डे मनाने का एक प्रथा चल गया है। ये जो प्रथा है ये सिर्फ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थ डे के लिए नहीं है, इट्स बेसिकली ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स। जब हम बचपन से बड़े होते हैं तो हर एक लेवल में हमारा टीचर्स रहते हैं। शुरुआत होता है अपने मम्मी पापा से, जिनके हाथ पकड़ के हम चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। फिर इनिशियल जो पढ़ाई होता है वो अपने मम्मी पापा से ही होते हैं। फिर आता है प्राइमरी टीचर्स, देन सेकेंडरी टीचर्स, हायर एजुकेशन के टीचर्स, कॉलेजेस का टीचर्स। ये जो भी जितने भी टीचर्स है ये हमें किताबों के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उनका एक मार्गदर्शन करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, तो वहां पर भी हमारे हर एक मोड़ पे कोई ना कोई टीचर्स मिलते हैं। उनका डेजिग्नेशन कोई टीचर नहीं होता है, लेकिन हमें जिंदगी में काफी कुछ सिखा के जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो ज्ञान हमें किताबों में नहीं मिलता है वही हमें ये टीचरों से अनकही अनडेजिग्नेटेड टीचरों से सीखने को मिलता है, चाहे वो हमारे बॉसेस हो, हमारे क्लाइंट्स हो, हमारे कस्टमर्स हो या कोई भी हो। आज के इस टीचर्स डे में मैं पहले शुरू करता हूं अपने मम्मी पापा को एज ए फर्स्ट टीचर्स, देन माई ऑल द प्राइमरी स्कूल टीचर्स, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एंड हायर एजुकेशन टीचर्स। उसके बाद लाइफ के प्रोसेस में हर एक मोड़ पे काफी लोगों ने काफी कुछ सिखाया है, उन सभी टीचरों को मैं अपने तहे दिल से प्रणाम करता हूं। आज के दिन में भी जब मैं कुछ करने का कोशिश करता हूं तो वहां पर भी मेरे काफी टीचर्स हैं, काफी मेंटर्स हैं। ऑल्सो आजकल मैं अपने बेटे से भी काफी कुछ सीखता हूँ टेक्नोलॉजी पर, तो मेरा छोटा टीचर है मेरा बेटा सायक्ष, उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है मेरे को लाइफ के लेसन्स।
इस टीचर्स डे के अवसर पर सभी टीचरों को मैं अपने दिल से नमन करता हूं। धन्यवाद। आप सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे।